दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद शेख ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। बता दें कि राशिद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ 2 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की है, जिसके बाद अब इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेनी है, जिसके लिए राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से पेरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। उन्होंने 4 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह की अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दी है। मैंने बार बार कहा कि कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताज है, और किसको हराया? सजाद गनी लोन, जो अब्दुल गनी लोन का बेटा है। तो सेंस तो क्लियर है, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट जो खानदानी राज यहाँ चलाते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, वो बंद हो और नई उभरती हुई लीडरशिप को चांस मिले। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, ये मैंने बार बार कहा कि कश्मीरी लोग जो हैं बड़े जज्बाती लोग हैं। अगर आपको याद हो, अबरार जो उनका बेटा है इंजीनियर रशीद का, उसने एक इंटरव्यू में रोया कि मैंने अपने पिताजी का चेहरा 4-5 साल से नहीं देखा। पूरा नॉर्थ कश्मीर उनके साथ चल पड़ा, और किनको हराया? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताज है, और किसको हराया? सजाद गनी लोन, जो अब्दुल गनी लोन का बेटा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कश्मीरी चाहता है न्यू लीडरशिप, ईमानदार लीडरशिप। अबरार एक 20-22 साल का बच्चा है। मैं वही कह रहा हूं साहब, आप यहां के नौजवान को मजबूत करिए, तब जाके कश्मीर की तकमील मजबूत होगी और हिंदुस्तान की तकमील मजबूत होगी। इसलिए इट्स अ लेसन, जो यहां खानदानी राज बना के रखा था उनने, आप देखो महबूबा मुफ्ती भी हार गई साउथ कश्मीर से। तो कश्मीरियों ने आज अपना फैसला क्लियर कर दिया है।